तो आज सुबह की वीडियो के बाद आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे कंटिन्यूसली मैसेज पे मैसेज किया कि रोमन रेंस की हेल्थ के बारे में अपडेट दो। इतने सारे लिटरली मैसेज मुझे डीएम में आए, फेसबुक पर मुझे मैसेजेस आए, तो उसके बारे में फाइनली मुझे जो कि कुछ पता चला है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन रेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो रोमन रेंस जो की है उन्होंने थोड़ा सा अपडेट दिया उनके और ब्रॉक लेसनर के बीच में जो कि टेंशन ग्रो अप हो रही है उसके बारे में। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में उनकी कैसी है, तो उन्होंने बताया रोमन रेंस का जो की ओरिजिनल करियर यानी कि जो भी रोमन रेंस का ओरिजिनल पर्सना है रोमन रेंस को छोड़कर वो ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या सोचता है। तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूं, रोमन रेंस जो की है वो ब्रॉक लेसनर के बारे में इस तरीके से सोचता है कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो की अपने दिमाग से काम नहीं सिर्फ अपने शरीर का काम लेता है यानी कि फिजिक्स से, और दिमाग के उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वहां पर बड़े से बड़े मैचेस है वो पूरा जोर लगाएगा उन्हें बाहर गिराएगा। पर उन्होंने कहा ये केस मेरे साथ नहीं है, मैं जो हूँ बहुत बहुत ज्यादा टेक्नीशियन और मेरा दिमाग जो है जब मैं 7 साल का था तभी ये सब चीजें जो की सोचने लग गया था। उन्होंने कहा इस वजह से मैं मानता हूँ कि शायद ब्रॉक लेसनर मुझसे बेटर है, बट मुझे पता है कि मैं इतना बेस्ट इनफ हूँ कि मैं जो है ब्रॉक लेसनर को मार सकूं। और उन्होंने बिल्कुल सही ऐसा ही कहा, मारने से मतलब मेरा है हराना। और शायद वो कहने में जो कुछ भी है वो ब्रॉक लेसनर के फैंस को हर्ट करें या फिर ब्रॉक लेसनर को भी हर्ट करें, बट ये बात तो बिल्कुल सही है, मानो या ना मानो रोमन रेंस जो है इस पर रेसलमेनिया 34 पर जो कि ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियन अनलेस कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रोमन रेंस की इंजरी के बारे में, तो अभी जो है रोमन रेंस की फाइनली MRI हो चुकी है और रोमन रेंस को किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई भी इंजरी नहीं है। और रोमन रेंस के हाथ में थोड़ी बहुत ही चोटें लगी हैं, बट वो भी कहा जा रहा है कि मोस्टली जो कि WWE ने बनाई गई थी वो एट द टाइम पर बनाई गई थी यानी कि वो भी रियल नहीं है। बट शायद रोमन रेंस के बीच में हल्का सा कोई माइनर फ्रैक्चर या फिर कुछ हल्का सा मांस वगैरह फट सकता है, पर वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट जो कि है रो तक रिकवर कर जाएगा। शायद WWE ने नेक्स्ट रो तक जो कि है वो ऑफ टीवी रखे, या तो WWE ब्रॉक लेसनर को वहां पे दिखा सकती है या फिर WWE ब्रॉक लेसनर को भी ऑफ टीवी रखे, या फिर WWE कुछ इस तरीके से कर सकती है कि वहां पर जो कि अंडरटेकर की वापसी हो जाए, तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जो कि है वो अगर ना भी आए तो भी जो है रो एक सुपर हिट शो बन जाएगा। तो इसके चलते जो कि है ये सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है अभी के टाइम पर। अगर हम बात करें रोमन रेंस के लिए और ब्रॉक लेसनर के लिए काफी अच्छी एक टेंशन बिल्डअप हो रही है, जिस वजह से कि उन्हें बहुत ज्यादा रेटिंग और इस बात का जो कि रेसलमेनिया 34 पर जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट काफी अच्छा होने वाला है इस बार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और इसी तरीके से जो है टेंशन है यानी कि WWE चाहे इंटेंशनली किया या फिर अनइंटेंशनली, जैसे भी ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, ये चीज काफी ज्यादा हाइप बना रही है रेसलमेनिया 34 के मैच के लिए। जो कुछ भी था वो ट्रेंडिंग पर चल रहा है अभी तक, वो वाली जो कि वीडियो वो इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर आ चुकी है और वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग पर वो चढ़ चुकी है। इस वजह से कि हमें प्रूफ पता लग जाता है इस चीज का कि जो कि इस बार का मेन इवेंट होने वाला है वो काफी ज्यादा हाइप भरा और काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या और चाहते हो कि रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में ऐड हो कोई और रेसलर की एंट्रेंस, या फिर जो कि क्लियर विक्ट्री होनी चाहिए, कोई ट्विस्ट होने चाहिए, दोनों में से किसको जीतना चाहिए। वैसे रोमन रेंस अभी के टाइम पर फेवरेट है, बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इन दोनों में से किसको जीतना चाहिए रेसलमेनिया 34 पर, और कौन बनना चाहिए नया यूनिवर्सल चैंपियनशिप या किसी को करनी चाहिए डिफेंड। तो ये दोनों चीजें जो कि कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। हमारा सेकंड चैनल जो है उसे भी जरूर जरूर याद से यार सब्सक्राइब कर देना। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।